हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मायसेल्फ ऋतुराज कुमार, साइंस टीचर। मैंने पिछले कथा में क्लास 7 का कुछ क्वेश्चन बता चुका था, ठीक है। तो नाउ आज हम कुछ क्वेश्चन और देखेंगे जो बाकी है, ठीक है। और एक्चुअली सारे जितने भी स्टूडेंट हैं सारे के व्हाट्सएप पे मैंने नोट्स भेज चुका है, ठीक है। मैं सिर्फ जो भी कंटेंट लिख रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। आप उसके उस क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, फिर बताइए मुझे, ठीक है। आपका स्कूल JP ट्रेडिशनल स्कूल, ठीक है। क्लास 7 लेसन 1st, ठीक है। लेक्चर 2 है मेरा। तो मैंने कुछ क्वेश्चन देख लिया था बाबू, आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है। क्वेश्चन एंड आंसर लिखा हुआ है, हम लोग 5-4 तक देख चुके थे, ठीक है। अब हम देखेंगे 5 क्वेश्चन। लिखा हुआ है 4 सो विद द हेल्प, है ना, सो विद द हेल्प ऑफ ए स्केच, ठीक है। ऑफ ए स्केच क्या होता है, स्केच पशु पक्षी मैन एनिमल सिंपल फिगर, ठीक है। स्केच दैट द प्लांट, इसका माना स्केच दैट द प्लांट, पौधे का बनाना है, ठीक है। आर द अल्टीमेटेड सोर्स ऑफ फूड, मीन्स सोर्स ऑफ फूड मीन्स उसका आकार बनाना है, उसका स्केच बनाना है, उसका तस्वीर बनाना है, जो प्लांट्स रिलेटेड, है ना, जो प्लांट्स रिलेटेड और एलिमेंटेड सोर्स ऑफ फूड, जो खाने का माध्यम है, जो भोजन का माध्यम है, ठीक है। प्लांट कौन खाते हैं, तो बकरी खाती है, ठीक है। तो बकरी कौन खाते हैं, तो स्नेक को कौन खाता है, तो ईगल। दैट मीन मैंने कुछ क्लियर बनाया है यहाँ पे, आपका फर्स्ट जो आंसर है यहाँ पे, तो स्केच मार्किंग किया है, ये क्या लिखा हुआ, ये आपका ग्रीन ग्रास, ठीक है। ये आपका ग्रीन ग्रास है, तो ग्रास कौन खाएगा, तो काउ खाएगा, ठीक है। कौन खाएगा ये, तो ग्रास कौन खाएगा, काउ खाएगा, तो काउ कौन खाएगा, तो एनिमल खाएगा, ठीक है। यहाँ पे टाइगर है, स्नेक है, व्हाटएवर, ठीक है, बोल रहा है एनिमल खाएगा, ठीक है। एनिमल है ना, तो सांप कौन खाएगा, तो बर्ड खाएगा, पक्षी खाएगा, ठीक है। आप उसमें ना क्या आपका आपका क्वेश्चन हो गया, लिखा हुआ है यहाँ पे हेल्प ऑफ ए स्केच, हेल्प ऑफ ए स्केच दैट द प्लांट, है ना, प्लांट अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड, है ना, अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड मीन्स क्या है, भोजन के क्या क्या स्रोत हैं, है ना, क्या क्या स्रोत हैं। और बात पे हम जब क्यों अंडे खाते हैं या हेन खाते हैं, गोट खाते हैं, क्यों खाते हैं, क्योंकि उसकी प्रजाति लिमिट रहे, ठीक है, लिमिट रहे, ताकि ज़्यादा उसकी तादाद पृथ्वी पर ना बढ़े, ठीक है। तो मैंने देखा है यहाँ पे अनलिमिटेड सोर्स ऑफ द फूड, देखिए अब सेकेंड क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 आपका है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरे, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरे। लिखा हुआ है क्वेश्चन, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड खाली स्थान सीन्स द सेंटीमीटर्स देयर ऑन फूड, ठीक है, क्या होगा, एंड देयर ऑफ द फूड, सेंटर क्या होता है, सेंटर होता है, ये प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण होता है, तो ऑन फूड द किस द ऑटोट्रॉफिक स्वसोपी, खुद से वो क्या करती है, स्व खुद पे निर्भर है वो, ग्रीन प्लांट क्या है, वो खुद पे निर्भर है वो, ठीक है, खुद पे निर्भर है, खुद बनाती है, खुद खाती है, ठीक है, खुद पे वो निर्भर है, खुद पे निर्भर है, स्वपोषी, ऑटोट्रॉफिक होता है, ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, खुद पे, है ना, स्वपोषी, खुद पे वो डिपेंड करता है, तो सेंटेंस ऑफ द इस पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ऑटोट्रॉफिक। अब सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 2, लिखा हुआ है द फूड ऑफ सेंटेंस, ठीक है, द फूड ऑफ सेंटेंस बाय दिस प्लांट एंड अटोरेज, अटोर मींस क्या, जमा करना, वो भोजन को किस रूप में जमा करती है, तो किस रूप में करती है, स्टार्च, स्टार्च खाने का एक पदार्थ है, ठीक है, ग्लूकोज है, क्या है, स्टार्च एंड लीव एक्सचेंज, है ना, स्टार्च, स्टार्च आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, लिखा हुआ है इन फोटोसिंथेसिस मींस प्रकाश संश्लेषण, किसे आप प्रकाश संश्लेषण, इन फोटोसिंथेसिस सोलर, ठीक है, सोलर एनर्जी मीन्स सोलर एनर्जी, धूप, है ना, सूर्य की गर्मी, सूर्य की धूप, ठीक है, एंड सोलर एनर्जी दिस द कैप्चर द पिगमेंट, है ना, पिगमेंट क्या होता है, रंग होता है, क्या होता है, पिगमेंट रंग होता है, ठीक है।
कॉल्ड क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के कारण क्या होते हैं, उनका रंग हरा होता है, किनका, पौधे का। ठीक है, तो क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, पौधे का रंग हरा होता है। ठीक है, क्या होता है, हरा होता है। तो हमने लिखा हुआ है कैप्चर द पिगमेंट कलर इन क्लोरोफिल। ठीक है, क्या है, तो फोटोसिंथेटिक प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण इज सोलर एनर्जी इज कैप्चर द पिगमेंट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। नेक्स्ट देखेंगे बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तो ड्यूरिंग द फोटोसिंथेटिस प्लांट टेक इन द, मैंने ड्यूरिंग लेना होता है, मैंने वो क्या क्या लेती है। ठीक है, वो क्या क्या लेती है बताइए, जब खाना बनाती है पौधे तो क्या क्या लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, ऑक्सीजन लेती है। ठीक है ना, क्या लेती है, तो वही लिखा हुआ है ड्यूरिंग, जब है ना जब पौधे प्रकाश संश्लेषण करती है तो प्लांट टेक इन मीन्स क्या लेती है, टेक इन क्या लेती है, तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखेंगे बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना आपका सेवन, नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन में लिखा हुआ है नेम द फ्लोइंग, नेम द फ्लोइंग मीन सारे का नाम लिखना है, क्या लिखना है, सारे का नाम लिखना है, नाम क्या लिखना है, लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ ए पैरासिटिक है ना, ए पैरासिटिक प्लांट विद येलो सिलेंडर एंड ट्यूब स्टीम, ट्यूब स्टीम विद कनेक्ट मतलब परजीवी होते हैं, पैरासिटिक होता है परजीवी, परजीवी पौधे है ना, प्लांट विद येलो है ना, विद येलो साथ में क्या होते हैं, येलो होते हैं, पीला होते हैं और सिलेंडर नुमा होते हैं, जस्ट लाइक सिलेंडर नुमा होते हैं एंड ट्यूबर स्टर उसका आकार होता है, तो क्या होता है, हाँ कैक्टस आपने देखा होगा है ना, कैक्टस जब भी होता है तो है ना कितना होता है, कैक्टस भी कितना होता है, लंबा भी होता है, सिलेंडर नुमा होता है, कितना होता है, बढ़ते चलता है, आपका क्या है, ये आपका कैक्टस है। ठीक है, क्या है, कैक्टस है ना, तो किस रूप में पाया, वो क्या परजीवी है। ठीक है, वो कैक्टस है, सिलेंडर नुमा वो येलो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ होगा आपका ए प्लांट दैट हैड बोथ द ऑटोट्रोफिस व ओसी, खुद पे डिपेंड है ना, एंड ए प्लांट दैट हैड द बोथ है ना ऑटोट्रोफी एंड द इट्रोट्रोफी एंड न्यूट्रिशन एंड पिक्चर नाम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 द प्योर मीन्स क्या होता है, प्योर मीन्स उसका छिद्र होता है, क्या होता है, छिद्र होता है। ठीक है, द प्योर द थॉट डीप लीव एक्सचेंज गैस है ना, किससे करता है एक्सचेंज गैस, तो करता है वो बिजली भी क्या होता है पत्ते, तो किससे करता है ऑस्टोमा है ना, हाँ सो है ना ऑस्टोमा, ऑस्टोमा उसको बोलते हैं ऑस्टोमा, उसको रंध्र होता है। ठीक है, आप हम आपको समझ में आ गया क्वेश्चन, अगले नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिटेल करेंगे। ठीक है, आप तक इसे रखते हैं, इसमें कुछ और क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, आपको जो भी कंटेंट हम भेजे हैं व्हाट्सएप पे या आपके बुक हो या कोई भी क्वेश्चन हो आपको कमेंट कीजिए। ठीक है, बताइए कि सर यहाँ पे मिस है यहाँ पे से। ठीक है, आप कुछ भी अपने क्वेश्चन भी पुट कीजिए ताकि उसको मैं डिटेल से बता सकूँ। ठीक है, तो आज तक मैं रखता हूँ यही, आप बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इसको आप रीड कीजिए, रिमेंबर कीजिए, नोट डाउन कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसलिए इसको लाइक शेयर कमेंट, इसलिए आज तक थैंक यू।